commend Sara Ali Khan's acting. Amazing. What about Sushant Singh Rajput? You like Sushant was good, but Sara steals the show. I mean, you know, the very first film, and so warm, so much of warmth. I think she's headed a long way. Out of 5 star? Yes, I would, especially for Sara Ali Khan's acting, which has been unique. The film is also good. You know, they have kept it tight. They have kept it up to 2 hours, which was good. And I would give it almost 4.5 stars out of 5. Thank you. और सारा तो बहुत अच्छी कर रही है. आपको अच्छी लगी सारा की एक्टिंग? बहुत अच्छी. और सुशांत सिंह राजपूत भी है तो उनके बारे में जरा बताइए, उनकी एक्टिंग कैसी लगी आपको? उनकी भी अच्छी है, लेकिन सारा खा गई उसे. खा गई किसे? ओके ओके. तो ओवरऑल अगर मैं डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो डायरेक्शन कितना नॉलेज रखता है आपको, कितना बांध कर रखा है नेक्स्ट क्या होने वाला? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. एंड सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अच्छी करी उसने भी, लेकिन सारा बहुत अच्छी लगी. कोई गाना पसंद है आपको? गाना सिर्फ दो ही गाने उसके अंदर, एक होती क्या और वो स्वीट हार्ट वाला. ओके ओके. कितने स्टार दोगे आप 5 में से? पूरे 5 दूंगी मैं, वो भी सारा की वजह से. सारा की वजह से. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू. I think I loved the movie. As far as Sara Ali Khan is concerned, I think for the industry, she is like a gift. She will go to take the industry by storm, because it's 7th of December today. By the time people will going to get over with this effect, 28th of December, Simba will going to release another movie of Sara Ali Khan. So I think in new age actors, whatever new actors have come in, like if you talk about Sanya Marutra or Janhvi Kapoor. So, you like Sushant Singh Rajput acting? Super. I mean, Sushant Singh Rajput and Abhishek Kapoor as a duo, I mean, Kai Poche, like 5 years back, they did excellent. And similarly, this is what you can exactly even see in this particular movie as well, that Sushant Singh is able to bring that raw acting, so very good. And storyline wise, कैसी है केदारनाथ का जो प्रलय आया था उसके ऊपर कहानी दिखाई गई है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं जब मूवी देखने आया था, मुझे लगा था कि मोरली इट विल बी अ फोकस ऑन दी ट्रेजिडी एंड द डिजास्टर विच हैपेंड, बट आई थिंक मूवी इज मोर अबाउट द लव स्टोरी. मगर उसे बहुत अच्छा होल्ड किया है. जनरली यू नो एवरी सेकंड मूवी इज अ लव स्टोरी, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली कम अप विद समथिंग न्यू, बट इन दिस वन दे हैव बीन एबल टू होल्ड इट वेरी वेल. एंड आई थिंक फुल क्रेडिट गोज टू सारा अली खान फॉर बीइंग इवन इन द फर्स्ट मूवी शी हैज बीन एबल टू डू वेरी वेल. एनी सॉन्ग यू लाइक इन द मूवी? नो, नॉट एनी सच इन टर्म्स ऑफ सॉन्ग, बट यू नो ओवरऑल इफ यू टॉक अबाउट द जेस्ट ऑफ द लव स्टोरी, इट्स प्रीटी इमोशनल एंड वेरी रियलिस्टिक. 3.5. वाह, फिल्म है. बहुत दिनों के बाद इतनी अच्छी हिंदी फिल्म देखने को मिली है. सारा अली की डेब्यू मूवी है, तो उनके एक्टिंग के बारे में बताइए. बहुत ही बढ़िया एक्टिंग है, और एकदम रिमाइंड करती हैं वो अमृता सिंह के बारे में, और जिस तरह का उनका रोल है उस तरह की उनकी खुद की पर्सनालिटी है, क्योंकि वो इस एक जैसी है, तो बहुत अच्छी लगी है. स्टोरी में कितना दम है आपके अनुसार की? बहुत 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 अच्छी फिल्म. बहुत दिनों के बाद एक अच्छी कम्प्लीट हिंदी फिल्म जिसके अंदर कम्प्लीट अच्छा म्यूजिक, और आई रियली विश, एंड शी इज अ स्टार बॉर्न. सुशांत सिंह राजपूत के बहुत अच्छा, बहुत ही जिसको कहते हैं रिलायबल एक्टर बन गए हैं वो. बहुत रियल लगते हैं, जो एक लोअर मिडिल क्लास एक वर्कर की जो भूमिका उन्होंने निभाई है, उनका फेस बहुत ही ऑनेस्ट फेस है, और उस हिसाब से उन्होंने कैरेक्टर में जान डाल दी है. आई थिंक द स्पेशल इफेक्ट्स आर अ लिटिल नॉट सो रियल. Except for that, I wish they were a little better than that. Otherwise, the movie is amazing. I would recommend it. 5 out of 5. Out of 5 star? 5, हाँ. 5 में से कितना? 5 में से 5. मैं समझता हूँ ये पिक्चर हर आदमी को देखनी चाहिए, खासतौर पे आज के कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज़ ये हिंदू मुस्लिम का जो इशू चल रहा है उसको ये बहुत अच्छी तरह टैकल करती है फिल्म. आई रियली रिकमेंड दिस, पीपल शुड वॉच दिस फॉर द टाइम्स दैट वी आर लिविंग इन. जिस तरह की पोलिटिकल एनवायरनमेंट बनी हुई है, ये एक तमाचा है आज के इस दौर में, और आई एम श्योर दैट मैक्सिमम पीपल शुड वॉच दिस फिल्म. थैंक यू. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छी मूवी है, हर चीज़ अच्छे से दिखाई गई है, एक्टिंग बहुत अच्छी है, डायलॉग डिलीवरी, सॉन्ग्स आर एप्ट, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, एंड एवरीबडी शुड वॉच इट. And Sara Ali ka debut hai, one by one, hum aapke paas aa rahe hain. Sara Ali ka debut hai, to unke bare mein kya? Sara has set a level, I think, to the Saif Ali Khan thing, and bahut acha dance, acting, expression, dialogue, everything. परफेक्ट, शी सेट अ लेवल. आप क्या बोल रहे हो सर, आप बंक करके आए लेक्चर? और रो रहे थे हम बहुत. तू रो रही थी? रो रहे थे आप, किस बात को लेकर रो रहे थे आप? बहुत टचिंग मूवी है, और एंड में काफी टच कर गया हार्ट को, तो बस रोना आ गया. क्लोज
for the ones who are viewing this interview. But actually the climax. Yeah, but we would. Must. And Sushant Singh Rajput ke bare mein. Wo to hai hi great. उनकी एक्टिंग आपको पसंद आई? लाजवाब. ओके, तो स्टोरी लाइन की अगर मैं बात करूँ कि कितना स्ट्रांग था डायरेक्शन कि हाँ नेक्स्ट क्या होने वाला है, ऐसा कितना बांध पहले थोड़ा सा धीरे था. इंटरव्यू के बाद तो बहुत इन्वॉल्विंग हो गया. इंटरमिशन के बाद. इंटरमिशन. एनी सॉन्ग यू लाइक इन द मूवी? कोई गाना? नमो नमो. नमो नमो. टच्ड आवर हार्ट्स लाइक एट लीस्ट माइन. सो डिड यू थिंक इट्स अ फुल पैसा वसूल मूवी? रिटर्न भी आने वाला? पैसा दो बार दिखो. ओ, दो पांच में से कितना देंगे आप? चार. आप पांच? फाइव आउट ऑफ 4.5. 4.5. तो पता नहीं चला डेब्यू है तो बहुत अच्छा काम किया. सुशांत सिंह राजपूत की एक्टिंग कितनी पसंद आई आपको? डायरेक्शन और सॉन्ग्स की बात करें तो उसमें कैसा था? सॉन्ग्स माइंड ब्लोइंग है, बहुत अच्छा. दो तीन सॉन्ग है, खासकर स्वीटहार्ट वो वाला गाना अच्छा लगा सबसे. सो डू यू थिंक इट्स अ फुल पैसा वसूल मूवी आपके लिए? या पैसा वसूल मूवी. आई वांट टू वॉच मूवी है. वन टाइम प्लीज देखिए आगे. एंड आउट ऑफ 5? इट्स 4. 4. थैंक यू जी. थैंक यू सो मच. बहुत केदारनाथ अच्छी लगी फिल्म. सारा ऑसम गुड. पूरी फिल्म में सारा अली खान ही दिख रही हैं. एंड दूसरी बात की जाए तो फिल्म के क्लाइमेक्स बहुत अच्छे हैं. इसके विजुअल इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, साउंड्स अच्छे हैं. इसको जिस तरीके से सिनेमेटोग्राफी, जिसके जो एक तरीके से जो दर्शाना था वो अच्छा दिखा है लास्ट के. और फिल्म सुशांत तो ऑसम अच्छा लगा. उनका भी एक्टिंग मतलब काफ़ी हद तक अच्छा लगा. बस सारा पूरी फिल्म में सारा ही दिख रही है. स्टोरी में देखा जाए, स्टोरी में दम बिल्कुल था. बट जो इस तरीके से अगर ये और भी अच्छे तरीके से मतलब अभिषेक कपूर जी ने मतलब और चाहते और अच्छे से इसमें दर्शा सकते थे. फिल्माने में थोड़ा सा इसमें कहीं थोड़ा मुझे कम लगा. क्या कम लगा आपके अनुसार? कम ये लगा कि मोरल ऑफ द स्टोरी जो प्रलय आया और ये सब चीज़ें जो तो प्यार और जो भी कुछ दिखाया मतलब काफ़ी जो थीम था मेन बेसिक जो इसका बेस था फिल्म का वो काफ़ी डिले रहा. आउट ऑफ 5 to 4. कैसी लगी आपको ये केदारनाथ? बहुत अच्छी मूवी है. वेरी ब्यूटीफुली अडॉप्टेड एंड स्पेशली आई रियली लव द स्क्रीन प्ले. बहुत बेहतरीन मूवी है. सारा अली खान की एक्टिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनकी एक्टिंग कितनी पसंद आई? फर्स्ट हाफ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा एक्टिंग वाइज. आई फेल्ट इट वाज लिटिल काइंड ऑफ ओवर एक्टिंग. बट सेकंड हाफ शी डिड इट वेल, स्पेशली द इमोशनल पार्ट वाज गुड. एंड व्हाट अबाउट सुशांत सिंह राजपूत? ही इज ऑब्वियसली इज अ गुड एक्टर, सो नो डाउट अबाउट इट. एंड स्टोरी लाइन स्क्रिप्ट की मैं बात करूँ तो कितना स्ट्रांग था आपके लिए? डायरेक्शन कितना बांध कर रखता है आपको? आई फेल्ट इट वॉज लिटिल मोर, थोड़ा सा ज़्यादा ओवर दिखाया गया. बट अदरवाइज इट वॉज डायरेक्टेड वेरी वेल. बट आई फेल्ट इट वॉज लिटिल टू मच. मतलब केमिस्ट्री इज वेरी गुड, वेरी नाइस केमिस्ट्री. ओके, आई थिंक दोनों अपनी अपनी जगह बेहतरीन अदाकारा है. जानवी इज गुड इन हर प्लेस एंड सारा इज गुड इन हर प्लेस. But if it's about choosing, then I guess Janhvi is like better. Out of any song you like in the movie? Sweetheart is nice. Sweetheart. Yeah, that's a little bit peppy. That's so good. Did you think it's a full paisa vasool movie? Aap return bhi aake dekhne wale? No, I don't think so. That I'll come for the next time. But one time watch. Out of 5 stars? 2.5, 3. 2.5. Thank you. Thank you. Aur kya haal hai? Bhi hai. Achhi movie. Sara Ali Khan ki. Uska kaam bhi acha hai. अच्छी लगी. अमृता सिंह की कार्बन कॉपी है. सुशांत सिंह राजपूत वो भी अच्छा है. और डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है. अच्छा वो जो जय प्रलय आया था, जय प्रलय 2013 का, उसके सीन काफ़ी अच्छे हैं. स्टोरी आपको कितना बांध कर रखती है? डायरेक्शन कितना बांध कर रखता है? दोनों अच्छा है, स्टोरी और डायरेक्शन बांध के रखता है. कोई गाना पसंद है आपको? एक नारजगी वाला जो गाना है वो अच्छा है. पाँच में से कितने स्टार देंगे आप? 3.5. थैंक यू. कैसी लगी आपको फिल्म केदारनाथ? फिल्म अच्छी है. फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो लगा मुझे, बाकी सेकंड हाफ ठीक है. हाँ, एक्टिंग तो काफ़ी अच्छी है और उनका रोना बहुत अच्छा लगा मुझे. जब रोने की एक्टिंग वो कर रही थी तो बहुत अच्छे से कर रही थी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा. और केमिस्ट्री दोनों की ठीक है और आई थिंक मुझे लगता है कि
सारा भी अच्छा काम करेंगे आगे इंडस्ट्री। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में क्या है? एक्टिंग तो वो अच्छी करते ही हैं, बस थोड़े से पतले ज़्यादा हो गए हैं। स्टोरी की अगर मैं बात करूँ और डायरेक्शन की बात करूँ, इसकी होने वाला कितना बांध कर रखता है? सेकेंड हाफ काफ़ी बांध के रखता है, फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्लो लगा मुझे, बाकी स्क्रीन प्ले काफ़ी अच्छा था, डायलॉग्स भी ठीक थे, आई थिंक मूवी चलेगी थोड़ी। 4 थैंक यू। बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, वेरी नाइस। इस मूवी से काफ़ी उम्मीद थी क्योंकि इससे पहले अभिषेक कपूर ने रॉक ऑन और कायपोची मूवी बनाई थी, तो काफ़ी उम्मीद थी और वो उम्मीद पे खड़े उतरे क्योंकि उत्तराखंड फ्लड्स के ऊपर यू नो ये पहली मूवी है, और इवन दो द स्टोरी वॉज प्रिडिक्टेबल, क्लाइमैक्स बहुत ही थ्रिलिंग था, तो बहुत मज़ा आया देख के। बहुत अच्छी है, डजेंट सीम लाइक इट्स अ फर्स्ट मूवी, पहली मूवी में इतना अच्छा किरदार उन्होंने प्ले किया, आई थिंक शी इज़ वेरी लकी। और वो खुद भी यू नो इतनी रिजेम्बलेंस है अमृता सिंह ऑफकोर्स उनकी मदर, और सैफ अली खान का जो क्लास है और टैलेंट है, तो दोनों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, और उन्होंने अपने रोल को इतनी बखूबी निभाया कि लगा नहीं कि उनकी पहली मूवी है। बहुत ही पूरी मूवी, इवन उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को भी ओवर शेडो कर दिया, इतना अच्छा उन्होंने अपना किरदार निभाया। सुशांत सिंह राजपूत में काफ़ी ठहराव आ गया पहले से, जैसे कायपोछे में थे या MS धोनी में, और उससे भी बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी आ गया और ठहराव आ गया, तो वो अच्छा लगा देख के, तो उनका भी ही ऑल्सो डिलीवर्ड अ वेरी फाइन परफॉर्मेंस। बट सारा अली खान, आई थिंक शी इज़ द स्टार ऑफ दिस फिल्म, पूरी फिल्म में शी इज़ सो इम्प्रेसिव कि आप बस देखते रह जाएंगे। जी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है दोनों की, इनफैक्ट पहले लगा था कि यू नो शायद अजीब लगेगी, बट जब मूवी में देखा तो दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, म्यूज़िक बहुत अच्छा है, मूवी का जो म्यूज़िक है सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है तुषार रे की, एडिटिंग बहुत अच्छी है चंदन अरोड़ा की, तो हर एस्पेक्ट मूवी का, इट्स नॉट जस्ट द स्टोरी, म्यूज़िक परफॉर्मेंसेस, केमिस्ट्री बिटवीन द लीड एक्टर्स, एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस एंड दैट इज़ व्हाई इट स्ट्राइक्स अ कॉर्ड विद द ऑडियंस। 3.5 थैंक यू।